पर चंद्रमा ये ऐसा आता है वैशाख में, तब उज्जैन तब कुंभ लगता है। देवता हो तुम, दैत्यो को जानते नहीं। अगर वे मिले मिले भट्ट के खा ले ना, तो फिर भी असुर ही क्यों हो? असुर होते इसलिए कि वे खाते हैं ना तो झगड़ते हैं आपस में, वे नेकने का बात है तो लगते ही रहते हैं, यही आसुरी वृत्ति है। वे कभो कहते मिलके ना चल सकते, घर परिवार में मिलके ना रह सकते, ये घर पर है नेकने का बात पर लड़ते हैं, वो ये असुर है, असुर बुद्धि है। क्रोधाद भवती सम्मोहा, सम्मोहादि स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशा दो बोधनाशा बोधनाशा प्रणशते। क्रोध आने पर बोध नहीं रहता, जिसके यहाँ क्रोध है वहां बोध नहीं रहता, विरोध है वहां ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान के न होने पर स्मृति में बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, बुद्धि में भ्रम पैदा होने पर मनुष्य अपने आप प्रणशते, अपने आप नरक गामी चला जाता है। जहाँ क्रोध है जहाँ विरोध है वहां ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। जो ईर्षा करता है, दोष करता है, घृणा करता है, वहां ज्ञान नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। ज्ञान वहां रुकता है जहां प्रेम रहता है, वहां क्रोध ना आए। आए कारणवश तो जल्दी से जल्दी चला जाए, क्रोध जितना रहेगा उतना ही नुकसान करेगा, उतना ही नुकसान करेगा। इसलिए क्रोध आए तत्काल जाए। विद्वान ज्ञानी पंडित गीता में कहा गया है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणो तमाहो पंडितं बुधः। जिसके सभी कर्म, यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिता, जिसकी सभी कामनाएं समाप्त हो गई हो, जिसके सभी इच्छा समाप्त हो गई हो, जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पंडित कहते हैं। अब कामनाओं के माये तो ढेर हो, हाँ कामना के तो वे घर बने बैठे हैं, द्वेष के, हिंसा के, घृणा के, मदरापान करने के, खाने पीने वाले, कुकर्म करने वाले, कुपंत मार्ग पर चलने वाले, और फिर भी कहते कि हम बड़े विद्वान हैं। विद्वान पंडित उसे कहते हैं जिसके सभी कामनाएं समाप्त हो गए, ज्ञान रूपी अग्नि में सब जल करके भस्म हो गए। गीता में लिखाया है, जिसके पास वो है कुछ है वहां ज्ञान कहां रहता है? जो मान चाहता है वहां भी ज्ञान नहीं रहता। श्री सुखदेव जी महाराज के ऊपर बालक धूल पत्थर फेंकते आते कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महात्मा जा रहे थे, एक व्यक्ति ने सामने आकर के उसे गाली दी, बहुत ज्यादा गाली दे दे करके वो हार गया। महात्मा ने कहा और कुछ और कछु दे रहा हो तो और दे, और कछु वो रह गया बचाओ जो फिर कट गया। दूसरे दिन उसने सोचा मैंने बहुत गलती करी, दूसरे दिन बाकी चरण में पड़ गयो, बाकी बहुत बड़ी स्तुति करी, स्तुति करके वो कंप्लीट हुआ। महात्मा ने कहा और कछु, सच्चे ज्ञानवान तो वो होते हैं जिनके यहां किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। सुख हरसए जड़ दुख बिलकाए, दोषम धीर धरे मन माए। सुख में हर्षाय मान, दुख में रोना,
ये ज्ञानियों का काम ना है, ये तो वैसों का काम है। अरे ज्ञानी तो वो होता है जो जानता है, इसके अंदर ज्ञान है। देवताओं से कहा तुम नहीं जानते, वो असुर हैं, वो कभी आपस में बांट के नहीं खा सकते, मिलजुल के नहीं रह सकते। भगवान गए इतास्मिनंतरे विष्णु सर्वोपाय विदीश्वर यो सिद्धूपमने दृश्यं दधार परमादभुतमः। भगवान मोहिनी रूप का रूप धर करके वहां पहुंचे। मोहिनी रूप धारण करके पहुंचे वहां दैत्य, जो स्त्री पर ज्यादा निगाह रखता है वो असुर होता है। जाने न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया, काम रूप के कारण आया। जो काम रूप है वही तो राक्षस है, वही तो निशाचर है। स्त्री को देख करके सब दैत्य दंग रह गए। मोहिनी आई, देखा मोहिनी ने कहा अरे तुम कौन हो? कहा हम दैत्य हैं। मोहिनी ने कहा जरूर तुम नीच खानदान के हो, मैंने सोचा कोई सज्जन होंगे चलो उनके बीच में मनोरंजन करते हैं, परंतु तुम तो कोई नीच कुल के हैं, चलो मैं चलती हूँ। दैत्यों ने कहा अब नीच कुल के नहीं है। अरे नीच के नहीं है तो आपस में लड़ते क्यों? जो आपस में लड़ता भिड़ता है यही नीचता की पहचान है, नीचता की यही पहचान है। हे मोहिनी तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे, परंतु हमारा मनोरंजन करो। आओ क्या बात है, कोई सही सही बात बताओ। तब तो वो देवता आ गए। देवताओं ने कहा ये हमारे शत्रु हैं। मोहिनी ने कहा आपने कहा कि हम नीच कुल के नहीं है, हम कश्यप ऋषि की संतान है। जब कश्यप के दोनों ही तुम दोनों भाई भाई हैं तो आपस में विरोध क्यों? अगर विरोध है तो हम जाते हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है आप जैसा कहेंगे हम वैसा मानोगे। एक साथ में देवताओं को बैठा दिया, एक साथ में दैत्यों को बैठा दिया और कहा हे देवी ये अमृत का कलश हम आपको सौंप रहे हैं, तुम जिसे चाहे पिलाओ जिसे चाहे प्यासा रखो। मोहिनी ने कहा कि स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। राखिए नारी यदपि उर्माई योवती शास्त्र नृपति बसना। कैसे भी राखो ये किसी के बस में नहीं होते। विदेहु नारी हृदय गत जानी सकल कपट अघ अब गुण खाने। नृत्यों ने कहा अब तो आपको सौंप रहे। मोहिनी ने आकर के नृत्य किया और कहा दैत्यों से वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू बलिहार। Yeah.
शिक्षा ज्ञान लिया और कहा गुरुदेव ऐसा कोई उपाय नहीं, सदा सदा के लिए मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं। शुक्राचार्य ने कहा हे राजा बलि, जो व्यक्ति 100 यज्ञ करता है 100 यज्ञ उसके नरक विघ्न पूरे हो जाए, बस वही स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है। शुक्राचार्य ने यज्ञ कराना आरंभ किया। राजा बलि ने भगवान के भक्तों की, साधु ब्राह्मणों की, भूखों को, जरूरतमंदों को सेवा और दान देना आरंभ किया। दान देने का एक विधान है, दान जानबूझ करके देना चाहिए कि कौन दान के योग्य है कौन नहीं। दान सुपात्र को दोगे तो फल मिलेगा, कुपात्र को दोगे तो नुकसान होगा। कुपात्र को दान देने से अगति होती है, सुपात्र को दान देने से सदगति होती है। तुम्हारे दिए हुए दान से अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो उसका भाग तुम्हें मिलेगा, तुम जिम्मेदार हो। इसलिए सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। हम जो दान दे रहे हैं उसका वो प्रयोग क्या करेगा? अगर वो अच्छे काम में प्रयोग करता है तो समझ लो हमारा दिया हुआ दान सही है, अगर गलत काम में प्रयोग करता है तो समझो कि हमारा दिया हुआ दान गलत रहा। उसे पुण्य नहीं मिलेगा, उसे पाप मिलेगा। सुपात्र को दान देने से पुण्य मिलेगा और कुपात्र को दान देने से पाप मिलेगा। इसलिए दान सोच समझ कर के देना चाहिए कि ये योग्य है या नहीं। जरूरतमंदों को राजा बलि ने दान दिया, उनके आशीर्वाद राजा बलि का इतना तेज बढ़ा। राजा बलि का इतना तेज बढ़ा कि देवता फिर घबराने लग गए। देवता के पास कुछ नहीं रहा, देवता राजा बलि के तेज के मारे इंद्रासन छोड़कर के भाग गए। राजा बलि ने फिर अपना अधिकार कर लिया, जब राजा बलि गए कुछ मिला ही नहीं। इंद्र देवता सब भाग गए। राजा बलि ने यज्ञ आरंभ किए, 100 यज्ञ की दीक्षा ली। जब देवता स्वर्ग लोक पर छोड़ करके भाग गए, दैत्यों का साम्राज्य हो गया। एक दिन आदिति कश्यप ऋषि से कहने लगी, स्वामी ये मेरी सौत के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को परेशान करके रखा है, वो ना तो चैन से रहते हैं ना चैन से रहने देते हैं, वो चैन से किसी को जीने ही नहीं देते। कश्यप ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत ज्ञान दिया। अदिति ने कहा नहीं स्वामी, मुझे कोई उपाय बताओ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि मेरे पुत्रों की विजय हो, मेरे पुत्रों के पास स्वर्ग वापस आ जाए। कश्यप ऋषि ने कहा देवी मैं एक व्रत बताता हूं, जिस व्रत को आप करोगी तो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। ये व्रत 12 दिन का होता है, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत
अर्चये दरविन्दाचम भक्तिया परमयानविता। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोग व्रत करें। इस व्रत में भक्ति युक्त होकर के कमल लोचन भगवान की पूजा करें। मंत्रों के आत्मा साथ नमः तोभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतानि वासाय वासुदेवाय साचने नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय चतुर्विशद गुणाज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। उन्होंने कहा 12 दिन का भगवान का व्रत और सुघर की माटी खोदी हुई उस नदी के किनारे जाए, उस माटी को अपने पूरे शरीर पर लगाए, मिट्टी से शुद्धिकरण करे। नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्ते आदि देवाय साच भूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमो नमः। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, बोलो संत भगवान की जय। मंत्रों से भगवान की स्तुति करें। उन्होंने मंत्र बताए, इन मंत्रों से आह्वान कर सम्मान करें। इंद्रियों के ईश्वर भगवान को श्रद्धा युक्त हो, पात्य व आचमन आदि से तथा गंध माला आदि से पूजन स्नान कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र से विधि पूर्वक पूजन करें। ऐसा उन्होंने 108 बार द्वादश मंत्र का जप करके और भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति में स्वस्थ वाचन करना, नृत्य करना, गाना, भगवान के आगे स्तुति करना, उन्होंने ये सब बताए, नियम बताए। आदित्य ने गंगा के किनारे जाकर के उस व्रत को किया। नियम संयम में वो लगी रहती, समाधि लगाते हैं, भगवान की स्तुति करती रहती, भगवान का गुणगान करते रहते। तस्या प्रादुर्भुक्तात् भगवान आदि पुरुष है पीतवासा दुर्वाहो संकचक्र गदाधर। जब उनका व्रत पूरा हुआ, भगवान संकचक्र गदा लेकर के उनके सामने प्रकट हुए। बोले वृंदावन में हरि लाल की। आदिति नेत्रों से मानो पान करते हुए भगवान श्याम सुंदर की छवि का अवलोकन कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भगवान ने कहा
मैंने आपको पूर्व जन्म में भी वरदान देकर के आया हूं, मैं ही तुम्हारे यहां आकर के अवतार लूंगा, तुम्हारे पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। पूरा वचन देकर के और अर्ति भगवान का गुणगान करते हुए प्रसन्न मन से हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
नर सब ने उत्सव मनाया। ऋषि मुनि सब सूर्य चंद्रमा सब आ रहे। सुंदर भगवान को देख कर के तुम्ब तुम्बा मनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु प्रचक्रत्य प्रजापति। भगवान को देख करके सब कुछ देने के लिए आए। कश्यप ने उनका जात कर्म संस्कार कराए और यज्ञोपवीत पहनाया। सूर्य नारायण ने स्वयं इनको गायत्री सिखाई। बृहस्पति ने यज्ञ सूत्र जनेऊ दिया। कश्यप जी ने मेखला पहनाई। भूमि ने मृग चरम दिया और सब वनों के पति चंद्रमा ने दंड दिया। माता ने कोपीन दई। जगतपति को स्वर्ग से छत्र दान किया। सब ब्रह्मा जी ने कमंडन दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा और सप्त सरस्वती ने अच्छे माला। सभी देवताओं ने अपना अपना कुछ भगवान को अर्पण किया। उन्हें सजा बजा करके प्रणाम करके तम नर्मदायास्तटम उत्तरे बलेरे अरे त्वजस्ते भृगो काच संव्यके प्रवंतयन्तो भृगो। नर्मदा के तट पर कच्छ में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वहां के लिए वामन भगवान जाते यज्ञशाला। मौर्जया मेकलाया वीता मुपवीता निनोत्तरम जटिलं वामनं विप्रं माया माड़वकं मरिं। यज्ञशाला पे जाकर के पहुंचते हैं और वहां द्वार पर सेवक रहते हैं। वो कहते हैं आइए महाराज, अगर यज्ञ का विधान है पुण्य का विधान है द्वार पर कोई आए सत्कार से उसका स्वागत करिए बुलाइए। आइए महाराज पधारिए आसन दे में बड़ा आदर करें। यज्ञ सफल तब होता है ये अपन को सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। यज्ञ में कोई भी आए भगवान की कथा एक गंगा है जो घर अपन को सेवा करने का अवसर मिलता है मुझे बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें ये अवसर बड़े ही भाग्य से मिलता है और फिर इस अवसर को गंवा दिया जाए बिना सेवा करे। सेवा तो सेवा अगर उसमें अगर और विरोध और करते बेमनस्ता फैलाते हैं। यज्ञ का तो ये है सबका आदर सम्मान होना चाहिए सबका स्वागत होना चाहिए। सेवा बन जाए सेवा करे जितनी सेवा हो जाए ये भगवान की कथा ही गंगा है ये तीर्थ है। अतिथि देवो भव अतिथि देवता होता है। अगर देवों को प्रसन्न नहीं किया जाए सेवा नहीं करी जाए तो उस अपने पुण्य कमाने का लाभ नहीं मिलेगा। भगवान जैसे यज्ञशाला पहुंचे उनका बहुत बड़ा आदर किया सत्कार किया। अंदर ले गए राजा बलि को सूचना दी महाराज ब्राह्मण आए। राजा बलि दौड़ करके गए छोटे से बामन भगवान को देखा ब्राह्मण के भेष में देखा
और बलि ने कहा सुस्वागतम महाराज, आओ पधारो। आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, आप पधारे। आज बड़े धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे, बहुत बड़ी सेवा करे। और कहा राजन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। यज्ञशाला में ले गए, राजा बलि ने उनकी पूजा करी, आसन दिया, बड़ी विनम्रता की। बामन भगवान ने कहा हे राजन, हमने सुना है कि तुम्हारे दादा बहुत भगवान के भक्त हो, भक्त थे, और उनके पौत्र क्यों नहीं होंगे। बड़ी प्रशंसा करी। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता, प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो सेवक तुम्हारे सामने हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। बामन भगवान ने कहा राजन हम मांगते हैं ना, तो मांगने से पहले संकल्प। हाँ, तब तक शुक्राचार्य आ जाते हैं। शुक्राचार्य कहने लगे हे राजन, ये तुम क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है, ये तुम्हारे साथ में छल करने के लिए आया है। जो कुछ मांगे इन्हें मत दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, मैंने इन्हें देने का वचन दे दिया है, मैंने इन्हें देने का वचन दे दिया, अब तो मैं मुझे देना ही पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं तेरे को मत दो, ये विष्णु छल करेगा। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर स्वयं भगवान मांगने के लिए आए। शुक्राचार्य ने कहा ओ राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मागत दान भयो तबही वसुधा द्रौपदी जी धर्म विचारी। देना लगे नृप दान तब गुरु देना न दे तबयो दुख भारी। ले कुश शुक्र किया के तहां सब ठाड़े रहे उन्हें फोरे ही डारे। ले कुश शुक्र किया के तहां सब सागर के टोटनी के क्षेत्र में प्रवेश करके शुक्राचार्य जल नहीं निकला। भगवान तो जानते हैं, उसने भय यज्ञ मंडप में डाब तो रहता ही है, कुशा लेकर लेकर के और क्षेत्र में डाल दी, आग फूट गई। एकदम घबरा करके शुक्राचार्य निकले और कहा अरे दुष्ट, तूने मेरे नेत्र और फड़वा दिया। भगवान कहने लगे कोई दान करे, कोई अच्छा काम करे, उसमें कोई रुकावट करे ना, बाबो जी हाल होते तो अब चले। राजा बलि ने कहा अब मांगो। उन्होंने संकल्प किया हरिओम विष्णु 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 श्रीमद भागवत ओम आप विष्णु राग्य आदि बनाने वाले सुधमर मंत्री
अष्टाभ्यंतर में कलयुग कल प्रदक्षिणे जम्बूदीप भटकने बद्रा मंडली गौर कुमार का क्षेत्र संकल्प किया और कहा हे ब्राह्मण देवता अब मांगो। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं अच्छा मांगे। हाँ तस्माद् द्वक्तो महीमीषद ब्रणेयम वर दर्शवात् पदान त्रीणं दैतेन्द्र संहितानि पदा मम। हे राजन हमें तीन पग भूमि चाहिए और वो अपने पांच के नापे के। राजा बलि ने कहा क्या तीन पग भूमि हाँ और वो भी आपके पैरों से नाप के। हाँ राजा बलि को बहुत होशियारी हंसने लगे। ब्राह्मण देवता बात तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों जैसी करते हो। तुम्हारे पिताजी ऐसे तुम्हारे दादा ऐसे तुम्हारा ये ऐसे तुम्हारा वो ऐसे और बुद्धि बिल्कुल बालकों जैसी ले फिर रहे हो। हाँ तुम्हारे जो छोटे छोटे पैरों से तीन पग भूमि क्या करोगे। अरे तुम कुछ भी मांगो कोई एक लोक मांग ले राज्य मांग ले सब कुछ दे सकता हूं मैं तुम्हें। धन संपत्ति इतने दे सकता हूं तुम्हारी कई एक पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। दान मांग लो मैं तो तुम्हें लोगों का राज्य दे सकता हूं। बामर भगवान ने कहा राजन असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा च मही भुजा। जिस ब्राह्मण के अगर संतोष नहीं है ना वो ब्राह्मण ही नहीं होता वो नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा ब्राह्मण के अगर संतोष नहीं है वो ब्राह्मण ही नहीं है। हम ब्राह्मण है राजन हम संतोष इतना तो वो क्यों लेना चाहते हो। महाराज हम भजन करना चाहते हैं। हाँ सो बहुत बड़ी जगह लियो ना आराम से आश्रम बनाओ बढ़िया। महाराज कहो कुछ जगह में बैठ गया को है आप बाबा जी का कब्जा करे फिर रहे का चल भाग यहाँ से। वो कहा हमारी जगह है जागी ना तो हम वहां भज बैठ के भजन बस तीन कदम में हम बच जाएंगे बस बैठ के और हमें क्या करना है। ब्राह्मण कभी भी संपत्ति जोड़ता नहीं। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षावृत्ति करना और अपना पालन पोषण करना। ब्राह्मण का धर्म विद्या पढ़ना पढ़ाना ज्ञान देना ज्ञान लेना यज्ञ करना यज्ञ कराना जोड़ता नहीं। नौकरी नहीं करता किसी की खेती बाड़ी नहीं करता। सच्चा ब्राह्मण तो आगे बताएंगे सुदामा केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहता बस सबके भले के लिए अपना जीवन अर्पण करता सबको सही मार्ग देता सही शिक्षा देता निस्वार्थ सबका भला करता। तब रामायण में उनकी वंदना करी है। आज जो नौकरी कर रहे हैं जमीन जात जोत रहे हैं दुनिया भर के कामों में लगे हैं बेईमानी भड़ियाई में लगे हैं चोरी में लगे हैं ठगाई में लगे हैं फिर वो कोई कहे कर्म बताता है कि कौन क्या है। जाति से कोई कुछ नहीं होता जो जिस कर्म को करता है भागवत में लिखा है कि जाति कर्म से पहचानी जाती है। वो जिस काम को कर रहा है वही काम वही है वो। अगर वो विद्वान विद्वता कर रहा है तो विद्वान है अगर वो नीचता का काम कर रहा है तो वो नीच है दुष्टता का काम कर रहा है तो वो दुष्ट है सज्जनता का काम कर रहा है तो वो सज्जन है। इसी भागवत में लिखा है कि कर्मों से पहचान होती है जाति से पहचान नहीं होती आदमी की। चोरी कर रहा है तो चोर है न्याय कर रहा है तो न्याय है न्यायाधीश है। जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है वो उसी जाति का है।
इसलिए हम ब्राह्मण है, संतुष्ट हैं, हमें आगे पीछे जोड़ने की जरूरत नहीं है। महाभारत में द्रोणाचार्य ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव, जिसके हाथ में वेद है वो ब्राह्मण है, और वो ही ब्राह्मण अगर वेद को रख करके अस्त्र हाथ में ले ले तो वो क्षत्रिय है, अब वो हथियार को रख करके अगर वो व्यापार वृद्धि करता है तो वैश्य है, अगर उसे छोड़ करके वो सेवा करता है तो वो शूद्र है। शास्त्र में शूद्र को सेवक कहा गया है, जो जिस काम को कर रहा है वो ही है। विद्वता कर रहा है तो विद्वान है, धर्म की रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय है, व्यापार कर रहा है तो वैश्य है, और तो सेवा कर रहा है तो वो सेवक है। अरे आदमी ने की तो सेवा छोड़ो, ये बड़े बड़े विद्वान देखो वे वैश्य की सेवा में लगे, हाँ घर जाके देखो तो सही, देखो बनते हैं हम बड़े विद्वान है वे आदमी वैश्य की सेवा में लगे। अपने पास रखते नहीं, परशुराम ने पृथ्वी को कितनी बार क्षत्रियों से हीन किया, पृथ्वी को अपने कब्जे में किया, विपुल वार मई देवन दी नहीं। अब एक बात बताओ तुम, एक बार पृथ्वी को जीत करके हमने ब्राह्मण को दान दे दिया, फिर दोबारा कहां से आएगी पृथ्वी? क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी धरती को रखते ही नहीं, ब्राह्मण को दान दे दिया पृथ्वी को और ब्राह्मण उस जमीन को औरों को दे देते, कहते भैया हम जमीन थोड़ी करेंगे तुम समारोह, हम तो तुम्हारे पास बच्चा के लिए आए, सावड़ी के लिए आए, बस वो दे देना, हम नहीं करते। फिर दोबारा जमीन भाई फिर पहुंच जाती, परशुराम फिर लड़ाई करते हैं, फिर जमीन ले लेते, फिर ब्राह्मणों को दे देते, ब्राह्मण लेके फिर बिनी की बिनी दे देते, क्यों बेकार जमीन करते थोड़े ही है। बामन भगवान ने कहा हम संतुष्ट हैं, हमें केवल उसी जमीन चाहिए बस। का राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता कम से कम अपना ख्याल नहीं तो दान लेने वाले का भी तो ख्याल, देने वाले का भी तो ख्याल करो कि मैं तुम्हें एक तीन पग भूमि देकर के मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि राजा बलि ने क्या दान दिया। और मान लो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज तुम्हारे हिसाब से क्या मांगे, राज्य मांग लो क्या करें। अरे बढ़िया हमारे को आगे पीछे हतोनाने भैया, राज्य को क्या करेंगे। बलि ने कहा तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे, फिर आराम से रहो, फिर व्यवस्था को करोगे भैया, मेरे को खर्चा ही भारी होता है, जो करे हम देंगे सब खर्चा, जो कहीं मोड़ा वोड़ी होंगे तो सबको खर्चा, पढ़ाई लिखाई सबको खर्चा दे, और 150 भाई तो राया सगर किसने साठ हार गए तो कोई सगर ने को खर्चा दे, सब व्यवस्था करेंगे। कबू एक आध मरे तो फिर रोवे की व्यवस्था, वो तो ताको मरे वो तो यही रोएगा, दूसरा काई को रहे तो हम काई को भैया भाई लेते में पड़े, हम तो जो मांग रहे हैं वो ही दे। बहुत समझ आया, भगवान ने कहा हमें ये बस उतनी चाहिए। राजा बलि ने कहा तो ठीक है, वहां राजा बलि की पत्नी विंध्या बलि आए, उनकी पुत्री रतनमाला आई, भगवान को देख करके रतनमाला मोहित हो गई, ऐसा मेरा पुत्र होता। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, तो ये मनोकामना पूरी हो जाए। जब जैसे राजा बलि ने कहा तो ठीक है महाराज नाप, उन्होंने अपना छत्र रखा, कमंडल रखा, अपना विराट स्वरूप बढ़ाया, और जैसे ही विराट स्वरूप बढ़ाया राजा बलि देखते रह गए,
एक पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया है, एक पैर में पूरी पृथ्वी नाप ले। और भगवान ने कहा, हे राजा बलि, तूने तीन पग पृथ्वी देने का मुझे वचन दिया, अब एक दो पगों में ने सब कुछ नाप लिया, तेरा वचन झूठा हुआ। अपने गरुड़ को अपने आदेश दिया भगवान ने, इस बलि को वरुण पास में बांध लो और नरक में डाल दो। गरुड़ ने आकर के राजा बलि को बांध लिया, सब राजा बलि के यहां संबरासुर अनेकों दैत्य बैठे थे, वो लड़ने के लिए आए भगवान के पास सदों से लड़े। राजा बलि ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये लड़ने का समय नहीं है, और इस समय आप लड़ोगे तो अपनी ही हार होगी। सब को बंद कराया, विंध्या बलि आते, प्रहलाद आया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये तुम्हारा ही नाती है, इस पर कृपा करो। मैं विंध्यावली ने कहा, इनको वैसे होना तो ऐसा ही था, ये भगवान के यहां इतने बड़े बन रहे थे ना, दीगे मार रहे थे, तीनों लोग मांग लो, कछु मांग लो, अरे जिसने सारा संसार बनाया उन्हीं से कह रहे हो कि तुम मांग लो, यही होना था। बाद में विंध्यावली ने कहा, प्रभु आखिरी कारण है तो हम तुम्हारे भक्त ही। राजा बलि ने कहा, मेरी कोई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्या बात है, मेरा वचन झूठा नहीं है, मैंने जो तीन पग भूमि देने की जो वचन दिया है पूरा करूंगा। भगवान ने कहा, कहां से करोगे, तुम्हारे पास है ही नहीं। राजा बलि ने कहा, महाराज आप ये बताएं कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है, मेरे पास जो धन है वो बड़ा है या मैं उसका धनी मालिक हूं वो बड़ा है। भगवान ने कहा, धन से तो धनी बड़ा होता है, तो महाराज अभी तुमने दो कदम में दो जी मनापे है ना, अभी तो मैं बकाया बाकी हूं ना, एक पग मेरे ऊपर रख करके नाप ले। राजा बलि चाहते थे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा ही तुझको अर्पण हो जाए, तन भी हो जाए मन भी हो जाए धन सब कुछ तेरा ही हो जाए। सच्चे मन से अपने शरीर पर ही उन्होंने उनका पैर रखवाया, अपने आप तन को भी दे दिया, मन को दे दिया, धन को दे दिया, तन को दे दिया, तन मन धन तीनों को तो बलि नहीं दिया। भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजा बलि तू अब वरदान मांग ले। राजा बलि ने कहा, महाराज तुम भगवान होते भाई तुम्हारे में दिमाग ही ना, क्यों अब तुमने मुझे मांग लियो, अब मैं तुमाव ही है गयो, तो मैं तो जो तुमाव है गयो, तो जो तुमाव धन है वो तो सब म्यो ही है गयो, अब मैं क्या मांगो, तुम्हारा धनु तुम्हारो है, मैं तुम्हारा तो सब मैं तुम्हारा और तुम्हारा धनु है तो सब मेहो तो तुम्हारा है, अब तो एक ही है वो, अब मैं क्या मांगो। मांगे तो महाराज विंध्यावली मांगे, विंध्यावली से कहा, विंध्यावली
मांगिले राजा ते हो पूरे पुण और मांगिले तुबे कुंत निशानी। इंद्र को इंद्रासन मांगिले सत्य कहो मेरी यही बानी। इंद्र को इंद्रासन मांगिले सत्य कहो मेरी यह बानी। सोलह सिंहार बतीसाया भूषण जीवन जोर नहीं रजधानी। बारही बारह श्री कृष्ण कहे तो मागन हो सो मांगिले रानी। बारही बार श्री कृष्ण कहे तो मांगन हो सो मांगिले रानी। रानी मांगिले तू क्या मांगना चाहती है? तीनों लोगों का राज्य मांगिले, बैकुंठ मांगिले, इंद्र को इंद्रासन मांगिले। मैं सत्य कहता हूं दूंगा। सोलह श्रृंगार बतीस आभूषण जीवन जोर नई राजधानी। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं मांग लो। बिंदावली ने कहा महाराज खबरदार, हम व्यापार नहीं करते, हम दान देते हैं और दान लेते नहीं। हम भिखारी नहीं, दाता है, दानी है। जिसको देते हैं हम भाई दान देते हैं और भाई पे ले ले वापस, जिसको देवत हो रही रहे हो। बिंदावली ने कहा महाराज हारी लो हारी गई धरनी पग मेरे धरनी पर देवत नाई। रहनी को हारे गई चक भी तो कंत को देखते शत्रु के नाई। रहने को हार गई चक भी तब कंत को देखते शत्रु के नाई। मेरे पिया बड़ी धारी बहे हरी आयकर द्वार पसारत बाई। उलट के गंगा पचाकू बहे परे मंगल पे हम मांगत नाई। उलट के गंगा पचाकू बहे परे मंगन पे हम मांगत नाई। महाराज हम सौदा नहीं करते, हम दानी है भिखारी नहीं है। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा हे राजन हम तो बनते प्रसन्न है और मैं मूल रूप से बामन आपकी रक्षा करूंगा, आप सुतल लोक में चले जाएं और वहां मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा और सावरणी मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे। ऐसा उन्हें वरदान दिया। भगवान वहीं रह गए। सुतल लोगों को राजा बलि को भेजा, कहा सावरणी मणिवंतर में तुम इंद्र बनोगे, तब तक मैं तुम्हारी वहां रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। भगवान नहीं गए। एक बार नारद जी क्षीर सागर में जाते हैं। श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण Yeah.
जैसे ही नारद जी को देखा, लक्ष्मी को प्रणाम किया, प्रणाम माते। लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि स्वामी का पता ही नहीं है, कहां चले गए? नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब तो नौकरी लग गई, हाँ, बिना लिखे पढ़े डिग्री बिना किए नौकरी लग गई। कहाँ? राजा बलि के या सुतल लोक में? अब आएंगे नहीं? अब नहीं आएंगे, कर्जा की कमी पड़ी, पहुंच गए नौकरी। तब लक्ष्मी मैया राजा बलि के पास आती हैं। आज लक्ष्मी मैया राजा बलि के द्वारे पे आती है और कहने लगी, छोटे भैया तेरे द्वारे बहना पड़ी दूर से आए, छोटे भैया Hey!
Yeah.
ओम निगदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो युगदन्ते प्रमर